हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे, आईआरटी इलाहाबाद के बारे में। और पहली बार आप पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं हम आईआरटी इलाहाबाद की कि क्या ऐसी चीज हो गई, क्या आईआरटी इलाहाबाद कितनी डिमांड है और कौन सी ऐसी चीज है जो नॉर्मल पॉलिटेक्निक से 10 times बेटर मैं आईआरटी इलाहाबाद को मानता हूं। उसके मल्टीपल रीजन है, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार आप अगर पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखो, अगर आईआरटी इलाहाबाद की बात करें तो एशिया का नंबर वन पॉलिटेक्निक कॉलेज है। एशिया, आप सोच रहे हो ना, एशिया जिस तरह से वर्ड यूज है उसी तरह से ब्रांड वैल्यू भी है। आईआरटी समझ लो आईआईटी लेवल के टक्कर का कॉलेज है, डिप्लोमा का बादशाह है। मतलब अगर आपने यहां से आईआरटी से पढ़ाई कर लिया, आईआरटी से अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपका करियर जो रॉकेट की तरह उड़ेगा। और मेरे खुद के जूनियर्स, मेरे कुछ बैचमेट भी थे आईआरटी से पास आउट हुए थे और आईआरटी से उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ। एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 questions गाइस पूछे जाते हैं, 75 questions पूछे जाते हैं नॉर्मली। आप कहोगे 3 hours, 3 घंटे में 75 questions, आप कहोगे 75 questions क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उस 75 में कम से कम आपको 65+ करेक्ट करना पड़ेगा तभी जाकर के आप आईआरटी में सेलेक्ट हो सकते हो। और आईआरटी एशिया का नंबर वन पॉलिटेक्निक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब पॉलिटेक्निक में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी तो आईआरटी में हिंदी इंग्लिश दोनों का दिया जाता था। और वहां का जो वर्कशॉप है ना, वहां पे जो ब्रांच है ना वो भी कमाल की है। ब्रांच के बारे में भी आते हैं, लेकिन वहां के जो प्रोडक्शन है या जो वहां का वर्कशॉप है वो आईआईटी के टक्कर का है। वहां पे जो भी आपको लैब, जो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है वो कमाल का दिया जाता है, जिससे कि प्लेसमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। चीजें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं, चीजें बहुत अच्छे लेवल पे जानी जाती हैं। तो आईआरटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है और अच्छी रैंक लेकर के आओगे तभी जाकर के अच्छी ट्रेड मिलेगा। पहले आईआरटी में वैकेंसी कम थी, अब आईआरटी में वैकेंसी बहुत ज्यादा है। इलाहाबाद में स्थित है आईआरटी इलाहाबाद और जिस तरह से मैं बता दूं उसमें बीटेक भी आ गया है। पहले पॉलिटेक्निक ही था, अब बीटेक भी आ गया है और इसका अलग से एंट्रेंस होता है। फरवरी मंथ में इसका फॉर्म निकलता है, आईआरटी का जो फॉर्म है वो फेब मंथ में निकलता है। और आईआरटी का फॉर्म आप लोग जरूर डालिएगा, अगर आप 10th में है, अगर आप 12th में है तो आईआरटी का फॉर्म जरूर डालें, क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं डाला तो कहीं ना कहीं समझ लो आप अपने आप को पीछे लेकर के जा रहे हो। आप बीटेक टायर थर्ड कॉलेज से बेटर है कि आप यहां से पढ़ाई कर लो, क्योंकि यहां से पढ़ने के बाद आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी मिलेगा। गारंटी गवर्नमेंट संस्था है, प्राइवेट नहीं है। आईआरटी जो है वो गवर्नमेंट संस्था है और आईआरटी में पढ़ने के लिए लोगों के सपने होते हैं, ड्रीम होता है लोगों का कि मैं काश आईआरटी में पढ़ पाता, काश मैं आईआरटी में पढ़ के कुछ बन पाता। तो लोगों के ड्रीम होते हैं और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर वे में मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रॉपर वे में मेहनत नहीं करोगे, अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, आपका करियर आगे नहीं जाएगा। और आईआरटी इलाहाबाद बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है। अब अगर ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच बड़ी फेमस है आईआरटी में, चाहे वो टूल्स हो चाहे प्रोडक्शन हो, दोनों ट्रेड वाले सबसे ज्यादा जॉब लेते हैं। अब इसके सेंस में अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्या ब्रांड वैल्यू नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ब्रांड वैल्यू है, उसके भी अलग अपने मतलब उसकी अलग वैल्यू है। बहुत सारी चीजें हैं जो सही तरीके से वहां पे आपको एडजस्टेबल मिलेंगी, आपको जो पॉलिटेक्निक कर रहे हो वहां से। तो आईआरटी इलाहाबाद में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपरेशन कर। मैं बता दूं ग्रेजुएशन बीएससी कर करके बीए कर करके लोग यहाँ पे आते हैं आईआरटी में पढ़ने के लिए। तो जो लोग भी आईआरटी में पढ़ना चाहते हैं आइए पढ़िए और अपने करियर को एक मोमेंट दीजिए। तो बस वीडियो में इतना ही, होप आई वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।